like you. Be strong to hold the powers of the sun. Hey, what's up guys? So once again, मेरे चैनल पे एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और सबसे पहले तो सारे लोगों को दिल से बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू करता हूँ कि आप लोगों ने इतना ज्यादा प्यार किया, इतना ज्यादा सपोर्ट किया। इन कुछ ही दिनों में मैं आपके इतने ज्यादा करीब आ गया और इतने सारे व्यूज दे दिए आपने मुझे, उसके लिए सबको दिल से थैंक यू सारे लोगों को। और थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम क्या लेके आए हैं, मतलब छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है फ्रेंड्स। और रियलिटी है, जो कुछ होगा इसके बारे में सब सच होगा, सच के अलावा कुछ भी नहीं होगा। लेना है नहीं लेना है, क्या करना है आगे वो आपको मैं बताऊंगा, डिसीजन आपका रहेगा फ्रेंड्स। फोर्स नहीं करूंगा मैं, बाकी जो एक्चुअलिटी और जो रियलिटी है हम कुछ से बात करेंगे आज छोटे से पैकेट के बारे में। तो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से सिर्फ एक बार कहना चाहता हूँ कि चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मुझे प्लीज सजेशन दें कि मैं आगे कैसी और क्या वीडियो में चेंजेस कर सकता हूँ। आप लोगों का सपोर्ट है मुझे बस, और किसी का सपोर्ट नहीं है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे, जो कि अभी अमेजोन और फ्लिपकार्ट में जो रेट इसका एक्चुअल चल रहा हूँ 999 रुपीज़, मतलब 1000 में 1 रुपये कम चल रहा है। और जो बिना डील के इसकी एक्चुअल जो प्राइसिंग है वो है 1500 रुपीज़। 5 वॉट का ये स्पीकर है फ्रेंड्स, और हम इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं आप लोगों के सामने। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं आगे क्या निकलता है इस छोटे से पैकेट में। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं इस 5 वॉट के स्पीकर में क्या दिया हुआ है अंदर। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ओ माय भाई साहब क्या स्पीकर दिया हुआ है, छोटा सा है स्पीकर लेकिन बहुत ज़्यादा क्वालिटी एक नंबर की दी हुई है। और इसके साथ में जो किताब वगैरह दी हुई है ये हमारे कोई भी काम की नहीं होती कभी भी, तो इसको हम साइड में रखते हैं। तो फ्रेंड्स के बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्वालिटी में तो बहुत ज़्यादा शानदार है। ओ भाई साहब क्या क्वालिटी दी हुई है, बोट की ब्रांडिंग से लेकर सारी चीज़ें, एक अलग ही फील आ रहा है इसको पकड़ने में हाथों में अपने। और बोट की ब्रांडिंग, 5 वॉट स्पीकर, वाटर प्रूफ भी IPX6 रेटेड है। ओ भाई क्या कमाल कर दिया बोट वालों ने तो। फ्रेंड्स मुझसे तो बिल्कुल रहा नहीं जा रहा, मुझे तो लग रहा कि तब मैं इसे जल्द से जल्द अपने फ़ोन से कनेक्ट करूँ और इसका साउंड टेस्ट करूँ कि क्या दिया हुआ है। जो जिस हिसाब की क्वालिटी है उस हिसाब से तो मुझे लग रहा कि ये साउंड जो है बवाल होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स अब डिटेलिंग पे हम आते हैं। डिटेलिंग में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहले पावर बटन दी हुई है, उसके बाद में प्ले पॉज बटन है, उसके बाद में वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन दी हुई है। और नीचे जो दिया हुआ है, नीचे हम उसको ओपन करके देखते हैं कि क्या दिया हुआ है अंदर। यहाँ पे दिया हुआ है SD कार्ड लगाने का, ये ऑक्स पिन है और ये चार्जिंग पॉइंट है फ्रेंड्स। और वाटरप्रूफ की रेटिंग भी दी हुई है। तो आगे बढ़ते हैं और इसका हम साउंड जल्दी से जल्दी टेस्ट करते हैं फ्रेंड्स कि कैसा साउंड है। और इसके साइज़ की अगर हम बात कर लूँ तो बात आप साउंड, मैं इसके अपने बाजू में मोबाइल रख देता हूँ और इससे आपको अंदाज हो जाएगा कि इसका जो साइज़ है वो कितना है। तो चलिए फ्रेंड्स अब उस वक्त आ चुका है कि अब हम इसको चालू करें और देखते हैं कि आगे कैसा क्या साउंड मिलता है, क्या क्वालिटी मिलती है। तो यहाँ पे मैं पावर बटन दबाता हूँ। You plugged into Nirvana. You plugged into Nirvana boat की जो line है. Your device is ready to pair. Oh bhai, sound. You're now connected to Boatstone Grenade. Sound से तो मुझे बहुत ज़्यादा clarity और एक punchy sound मिल रहा है, मुझे वो feel आ रहा है। छोटा स्पीकर और इतना ज्यादा साउंड, भाई
क्या चीज है, क्यों बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया भाई, कैसे कैसे करते हो बोल्ट वालो, ऐसा करोगे 5 वाट के स्पीकर में इतना साउंड भाई, बहुत ज्यादा टफ कॉम्पिटिटर है ये JBL का, सीरियसली बोल रहा हूँ। एक बार अगर आप स्पीकर ढूंढो तो एक बार इसे जरूर ट्राई करना, बहुत ज्यादा बेस साउंड है, बहुत क्रिस्पी क्लियर साउंड है, मूवीज वगैरह फोन में देखने के लिए होता ना, तो बेस्ट साउंड बोट की तरफ से मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा फ्रेंड। जैसा कि इसके बॉक्स में मैंने अभी देखा और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 1200 mAh की बैटरी दी है और अप टू 7 आवर्स इसके कंटिन्यूसली आप म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। मैं मानता हूँ 7 आवर्स बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर 7 आवर कंपनी क्लेम करे तो मिनिमम 4 आवर्स का आपको बैकअप इसमें डेफिनेटली मिलने वाला है फ्रेंड। तो मुझे ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसंद आया है पर्सनली, और इसी के साथ में ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, वीडियो में यहीं पे ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने के साथ में जाते जाते मैं आपसे बोलूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और बाजू में एक छोटी सी घंटी आई है उसको प्रेस करना, इससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मैं जब भी कोई वीडियो डालता हूँ। और जाने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूँगा कि मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, तो आपको हो सकता थोड़ा बहुत कुछ डिस्काउंट भी मिल जाए। तो जाते जाते मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि छोटे से रूम के लिए बहुत बड़ा साउंड है, अपनी फैमिली के साथ में इंजॉय कर सकते हैं, अपने किसी खास के साथ में इंजॉय कर सकते, मतलब समझ ठीक है एकदम, ज़्यादा नहीं जाते, जल्दी से जाओ, लिंक डाली हुई डिस्क्रिप्शन में, फटाफट खरीद लो बिना कुछ सोचे समझे। मेरे भाई ने साउंड बना हुआ है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट साउंड है, कोई शक नहीं है।